आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह योनो लाइट SBI से MMID को प्राप्त करते हैं, जो कि 7 अंकों की एक संख्या होती है, जो कि हमें मदद करती है एक खाते से दूसरे खाते में पैसे को स्थानांतरित करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे की ओर दिखाई दे रहा होगा अनुरोध वाला एक ऑप्शन, तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अनुरोध वाले पेज पे आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पिन जनरेट करें, रीसेट करें, तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इसमें क्लिक करते हैं। तो हम दूसरे वाले पेज पे आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे अपना खाता चुनना है, तो हम खाता चुने वाले आइकन में क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इसमें क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने खाते चुने वाले आइकन में क्लिक किया, हमारे सामने दो खाते यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें से हम पहला वाला खाता यहाँ पे चुनेंगे। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो ये दो जो अलग अलग खाते हैं, तो इनकी MMID भी अलग अलग होगी, तो इसका ये ध्यान रखें। तो हम इसमें से पहला वाला खाता चुन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम दूसरे वाले पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमने जो खाता चुना है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और नीचे यहाँ पे एक बटन दिखाई दे रही है, यहाँ पे लिखा है MMID प्राप्त करें। तो हम उस बटन पे क्लिक करेंगे और हमें इसके बाद MMID प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने MMID जनरेट करें में क्लिक किया, तो हमें यहाँ पे अपनी MMID प्राप्त हो चुकी है। यहाँ पे लिख के भी आ रहा है पॉपअप विंडो में, MMID फॉर द अकाउंट नंबर इज़ 6789012। यू कैन यूज दिस MMID टू रिसीव मनी यूजिंग IMPS मोबाइल नंबर एंड MMID मोड टू डिजिटल चैनल्स। तो जो हमारी MMID हमें प्राप्त हो चुकी है यहाँ पे, और आप चाहें तो इसी तरह आप भी MMID को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।